बैडमिंटन प्लेयर्स आ जाओ। अंडर 15,000 में एक तगड़ा रैकेट आया भाई, धमाकेदार रैकेट लग रहा है, ऐसा पेपर्स में लिखा हुआ है। हम रियलिटी चेक करेंगे। ये है लीनिंग का वन ऑफ द प्रीमियम रैकेट एक्स फोर्स 90 ड्रैगन मैक्स। तुम कड़क माल है ना। जिसको नहीं पता मैं बता दूं, एक्स फोर्स सीरीज मेनली बनाई गई अटैकिंग प्लेयर्स के लिए। तो यार जो पूरी सीरीज है इनकी एक्स फोर्स 40 से लेकर एक्स फोर्स 100 तक, तो उसमें 90 ड्रैगन मैक्स मतलब प्रीमियम एक्स फोर्स 100 से नीचे आता है, थोड़ा सा एक्स फोर्स 90, फिर एक्स फोर्स 100 आता है। तो आज हम इसका रिव्यू करने वाले पूरा डिटेल में। गाइस इस रैकेट से करंटली खेल रहे लोकेन यू जो फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुका है, अगर मैं आपको रियलिटी बताने की कोशिश करूँ ना, तो रियलिटी ये है कि ज्यादातर टॉप प्लेयर्स ना कस्टमाइज रैकेट यूज करते हैं। वो आपको दिखता है कि मतलब ये सेम रैकेट यूज कर रहा है, लेकिन उनकी स्पेसिफिकेशन थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है उनकी एडजस्टमेंट के हिसाब से। आपने मेरी इंडिया ओपन वाली वीडियो तो देखी होगी यार, तो इंडिया ओपन वाली वीडियो में आपने देखा होगा मैंने लक्ष्य सेन का रैकेट उठा के देखा था, तो नैनो फ्लेयर 1000Z था वो रैकेट। लेकिन जब मैंने उठा के देखा वो मेरे को काफी ज्यादा हेड हैवी फील हुआ, लेकिन असल में वो रैकेट हेड लाइट रैकेट है। तो मतलब यार कंप्लीटली चेंज रैकेट है फ्रॉम द ओरिजिनल सीरीज जो वहां पे योनेक्स ने दिखाई गई है। तो यार ये योनेक्स का भी हाल है, विक्टर का भी, और सभी प्लेयर्स ये यूज करते हैं। जितने भी टॉप प्लेयर्स हैं सारी कस्टमाइजेशन के साथ आपको मिलते हैं। और जो ये वाले रैकेट जो आप मार्केट में अवेलेबल होते हैं ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं उनसे जो वो खेलते हैं। फर्स्ट लुक में रैकेट का डिजाइन काफी ज्यादा प्रीमियम देखने को मिलेगा, इसमें काफी ज्यादा इलेक्ट्रिक डिजाइन दे रखे हैं रेड एंड ब्लू एक्सेंट्स के साथ। जो इसमें फिनिश है वो मैट फिनिश दे रखी है इस बार इन्होंने। डिजाइन के मामले में एकदम टॉप नॉच रैकेट आए, मतलब लीनिंग के ना जो प्रीमियम सीरीज होते हैं जैसे 80, 90 और 100, इनके डिजाइनर जबरदस्त होते हैं। ये पूरा रैकेट आपको बॉक्स फ्रेम देखने को मिलेगा, इसकी ग्रिप साइज G5 है और इसकी मैक्सिमम टेंशन है 30 LBS, और मतलब जो इसका डायमीटर है वो 6.2 mm है, मतलब यार बहुत ही ज्यादा पतला है। और अभी इस रैकेट में लीनिंग की नंबर वन स्ट्रिंग्स डली हुई है 30 LBS की टेंशन के साथ। एक बार साउंड चेक करो आप। तो एक बार रैकेट के ओवरऑल डिजाइन के बारे में देख लेते हैं। ऊपर यहाँ पर आपको काफी अच्छे इलेक्ट्रीफाइंग डिजाइन देखने को मिल जाएंगे विद ब्लू एक्सेंट। पूरे ही रैकेट में से कमाल के डिजाइन देखने को मिल जाएंगे आपको। अगर आप फ्रेम के साइड में देखोगे तो यहाँ पे एक्स फोर्स लिखा हुआ है विद इलेक्ट्रीफाइंग डिजाइन, जो कि यार देखने में काफी तगड़ा लगता है। और अगर मैं फ्रेम को दूसरी साइड घुमाऊं तो यहाँ पे आपको टीबी नैनो प्लस M50 प्लस सुपर कार्बन ग्रेफाइट मटेरियल देखने को मिल जाएंगे, जो इसके ग्रेफाइट मटेरियल को बता रहा है कि इसमें कौन कौन से ग्रेफाइट मटेरियल यूज किए गए हैं। सारे मटेरियल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल है जो यूज होते हैं एरोप्लेन और जेट्स बनाने में भी। रैकेट के फ्रेम के एकदम अपोजिट साइड देखोगे तो यहाँ पे आपको बॉक्स शेप्ड फ्रेम देखने को मिल जाएगा, और जैसे ही आप नीचे आओगे तो आपको लीनिंग का लोगो मिल जाएगा सिल्वर कलर में। रैकेट के शाफ्ट के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आपको एक्स फोर्स 90 देखने को मिलेगा, और उसके नीचे एक्स फोर्स 90 का जबरदस्त डिजाइन भी देखने को मिलेगा, और यहाँ पर चाइनीज में ड्रैगन बना हुआ और साथ में लिखा हुआ है मैक्स। डिजाइन का ट्रांजिशन तो यार जबरदस्त, और उसके जस्ट साइड में आपको लीनिंग का लोगो देखने को मिल जाएगा। उसके साइड में आपको पावर बड़ा सा देखने को मिल जाएगा, उसके जस्ट साइड में लिखा हुआ हेड हैवी 6.2 mm हार्ड फ्लेक्सिबल, मतलब ये थोड़ा सा स्टिफ रैकेट है। FRTP टेक्नोलॉजी इसमें लगाई गई है। अगर आप रैकेट को थोड़ा सा ट्विस्ट करोगे तो यहाँ पे USB शाफ्ट देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको मिलेगा स्टेबलाइज इलास्टिक शाफ्ट जो आपकी सारे स्ट्रोक्स में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। इस रैकेट का शाफ्ट इलास्टिक है और स्टिफ भी है, मतलब इलास्टिक और स्टिफ के बीच में लाई करता है। इस रैकेट में आपको डबल एनर्जी कैप देखने को मिल जाएगी जो रैकेट के शाफ्ट को ट्विस्टिंग से बचाता है, और इसकी कैप पे लिखा हुआ है 4U जो बताता है इसकी वेट कैटेगरी, मतलब 84 ग्राम के अराउंड इस रैकेट का वेट है, और लिखा हुआ है G5 एंड 30 LBS जो हम पहले ही बात कर चुके हैं, और लीनिंग लिखा हुआ है यहाँ पे। और ब्रैकेट के बॉटम की साइड देखोगे तो यहाँ पे जबरदस्त डिजाइन देखने को मिलेगा, अगर आप इसे टच करके देखोगे तो ऐसा लगेगा ग्लास है, लेकिन ये है प्लास्टिक। तो अब हम इसको कोर्ट पे टेस्ट कर लेते हैं, देखते हैं मेरा क्या रिव्यू रहता है इस रैकेट को लेके, क्या ये हमारी एक्सपेक्टेशन फुलफिल कर पाता है कि नहीं, चलो वो तो देखते हैं हम कोर्ट में। We rise up from the dust and claim our throne.
रैकेट को खेल के देखा ना तो यार हेड हैवी वाली फीलिंग तो आई नहीं, मतलब थोड़ी सी बैलेंस टाइप की फील लगी मेरे को। और जब मैंने इस रैकेट से स्मैश मार के देखे ना तो यार मतलब काफी ज्यादा सॉफ्ट फीलिंग आ रही थी। जनरली हम एक्सपेक्ट नहीं करते काफी ज्यादा प्रीमियम रैकेट से कि एक सॉफ्ट फील वाला हमें रैकेट मिले। पावर इसमें मेरे को अबव एवरेज ही देखने को मिली, मतलब इतनी कुछ ज्यादा खास नहीं मिली मेरे को। एज ए बैडमिंटन प्लेयर मैं चाहता हूँ कि मतलब थोड़ी सी हार्डर फीलिंग मिले मेरे को उस रैकेट में जो मैं खेल रहा हूँ। जब मैं स्मैश मारूँ तो कुछ लगे तो पता तो चले कि हाँ स्मैश मारा है मैंने, लेकिन यार इस रैकेट में मेरे को पता ही नहीं लग रहा था मैंने स्मैश मारा नहीं, क्योंकि मतलब फील ही नहीं आ रही थी स्मैश मार रहा हूँ मैं। जनरली जो सॉफ्टर फीलिंग्स के रैकेट होते हैं वो थोड़ी लो एंड में मतलब 5-7 हज़ार के नीचे ही मिलते हैं आपको इस टाइप के रैकेट। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एक रैकेट जो मैं परचेज कर रहा हूँ वो थोड़ी हार्डर फीलिंग का हो और उसमें स्मैश एकदम क्रिस्प जाए, साउंड एकदम परफेक्ट आए। अगर मैं इस रैकेट के कंट्रोल के बारे में बात करूं तो यार शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों से मेरे को गुजरना पड़ रहा था इस रैकेट के साथ, लेकिन धीरे धीरे ये रैकेट में मेरे को काफ़ी अच्छा कंट्रोल देखने को मिला, जैसे एक जनरली रैकेट में आपको देखने को मिलता है। कुछ चीज़ें इस रैकेट की मेरे को काफ़ी सही लगी, जैसे इसकी स्विंग स्पीड, इसका रिस्पॉन्स टाइम जो एक आप प्रीमियम रैकेट से एक्सपेक्ट कर सकते हो, अच्छी लिफ्ट, फास्टर स्विंग स्पीड, पैरेलल भी यार काफी अच्छे जा रहे थे, तो यार इस रैकेट में वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो यार इस रैकेट का प्राइस है 14,500। मैंने काफी ज्यादा कोशिश करी ये रैकेट मेरे को पसंद आ जाए। मैं सोच रहा था यार बहुत ही ज्यादा धमाकेदार रैकेट है, मतलब देखने में लुक वाइज में, मतलब इतने ज्यादा पैसे खर्च करने के बाद 14,000-14,500 रुपए देने के बाद अगर मेरे को पावर में मजा नहीं आ रहा ना, खेलने में मजा नहीं आ रहा, तो यार मेरे लिए रैकेट वो सही नहीं है। सारे शॉट ट्राई करे, काफी दिनों से खेला, गेम्स खेली इससे और ड्रिल्स भी करी, प्रैक्टिस भी करी। आप एक ऐसे प्लेयर हो जो जिसको अटैकिंग गेम खेलना पसंद है तो यार ये रैकेट तो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप X-Force 100 की तरफ जाए, क्योंकि यार इस रैकेट में काफी अच्छी आपको पावर देखने को मिलेगी, मतलब पावर के मामले में और साउंड के मामले में ना जबरदस्त रैकेट। जब आप स्मैश मारोगे ना आपके पूरे हॉल में पता चलेगा कि भाई हाँ आपने स्मैश मारा है, मतलब साउंड भी तगड़ी आती है और पावर भी आपको तगड़ी देखने को मिलेगी। और आपको मैं एक अमेजिंग चीज दिखाता हूँ इस रैकेट पे, यहाँ पे आपको मेरे चैनल का नाम देखने को मिलेगा AN बैडमिंटन। तो यार ये काफी ज्यादा कूल चीज लगती है, आप लिनिंग स्टूडियो के वेबसाइट पे जाओगे आपको यहाँ पे कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिल जाएगा जो मतलब लिमिटेड रैकेट्स पे है। दूसरा रैकेट ले सकते हो जैसे X-Force 100, X-Force 80। तो यार अगर आप वो परचेज कर रहे हो तो लिनिंग की वेबसाइट से तो यार मेरा कूपन कोड लगा लेना ANBAD, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा लिनिंग के सभी प्रोडक्ट्स पे। अगर आपको ये जानना है कि लिनिंग का X-Force 100 ज्यादा अच्छा है या फिर योनेक्स का Aztrox 100 ZZ, तो यार ये वाली वीडियो पे क्लिक करके आप देख सकते हो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।